नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक कॉर्पोरेट वाले स्टॉक के बारे में, जिसमें एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। स्टॉक का नाम है मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, MAS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक की बात की जाए तो आज ये स्टॉक 2:1 के बोनस में ट्रेड कर रहा है। पहले मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड या कोई भी शॉर्ट टर्म इवेंट जिसे कॉर्पोरेट एक्शन भी कहा जाता है, ये आपको डायरेक्टली पैसा बना के नहीं देते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। अब बोनस 2:1 यानी कि एक के सामने दो शेयर एज अ बोनस आपको मिलने वाले हैं। अगर कल किसी भी व्यक्ति ने मास फाइनेंशियल के 10 शेयर लिए हैं तो उसको 20 शेयर एज अ बोनस और मिलेंगे। तो अब आपका सवाल में भी ये भी हो सकता है कि भाई साहब ये तो प्रॉफिट हो गया ना, मेरे पहले 10 शेयर थे, 20 और मिलेंगे, टोटल 30 शेयर हो गए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, शेयर का भाव उसी रेशियो में घट गया है। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर शेयर 1000 रुपए ट्रेड कर रहा था तो आज 333 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। ये एग्जाम्पल के रूप में था। वैसे एग्जैक्टली मैं अभी मास फाइनेंशियल की बात करूं तो 338 रुपीज के भाव पर ट्रेड कर रहा है। नेट नेट देखूं मैं एडजस्ट करके बोनस को तो 3% तेजी में है ये शेयर। लेकिन एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जो लोग नए निवेशक हैं बाजार में तो उन्हें ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं। मेरे पास अगर कल 10 शेयर्स थे और इसका भाव अराउंड 1000 रुपए के करीब होगा कल, ठीक है, तो मैंने 10 शेयर खरीदे, आज मेरी पोर्टफोलियो में शेयर्स 10 ही दिख रहे होंगे, लेकिन मेरी पोर्टफोलियो अलग तरीके से दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, कल 1000 रुपए का राउंड फिगर ले लूं, मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 11 रुपए ऊपर है, इसको 3% ऊपर कर दूंगा तो 33 रुपए घटा दूंगा, स्टॉक के प्राइस को भी 3 सेंट करके 33 रुपए कट कर दूंगा तो एक्जैक्टली प्राइस आ जाएगा। अभी पहले मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। मान के चलते हैं राउंड फिगर में कल 1000 रुपए भाव था शेयर का, मैंने 10 शेयर खरीदे, 1000 × 10 10000 रुपए के मैंने शेयर्स खरीद लिए, आज मेरी पोर्टफोलियो में शेयर्स 10 ही दिख रहे होंगे लेकिन प्राइस है 330, तो 340 है। अगर 10 × 340 करूंगा तो ये 3400 रुपए के करीब मेरी पोर्टफोलियो में है, जिसमें 3.5% आज ऊपर है तो 3.5% गेन दिख रहा होगा, लेकिन मैंने तो 10000 रुपए लगाए थे, वो कहां गए? तो वो जो 20 स्टॉक्स और हैं आपके पास, वो आपके डीमेट अकाउंट में जल्दी ही क्रेडिट होंगे, आज नहीं हुए होंगे। बहुत से ब्रोकर्स इस तरीके से भी दिखाते हैं कि आपने निवेश 10000 किया था, आज 3400 रुपए रह गया है तो -60%, तो ये मत समझना वो माइनस है, वो आपके 20 शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होना रह गए हैं। पहली बात क्लियर हो गई तो डर खत्म हो गया होगा सबका, आई थिंक। अब ये डीमेट अकाउंट में कब तक क्रेडिट होंगे? तो ये नॉर्मली 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। अब किस किस को मिलेंगे? जिसने भी कल खरीदा है या कल से पहले कभी भी मास फाइनेंशियल का शेयर लिया है तो उसको एक शेयर के सामने 2 शेयर एज अ बोनस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 लिया था तो 2 और मिलेंगे, 10 लिए थे 20 और मिलेंगे, 100 लिए थे 200 और मिलेंगे, समझ गए हो गया आप। अब आगे एक सिंपल सा सवाल और आ जाता है कि अगर मैं आज खरीद लूं तो क्या मुझे बोनस शेयर मिलेगा? नहीं जी, आपको 1000 वाली चीज 340 में मिल रही है, आपको क्यों मिलेगा बोनस शेयर? हाँ, आप आज लेते हो तो कल 1000 रुपए में एक आता था, आज 1000 रुपए में 3 आ जाएंगे, दैट्स इट, तो आप डायरेक्टली 3 शेयर खरीद लो। तो आप आज खरीदते हो तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये सारी बात हो गई बोनस की। अब आ जाता हूं मैं अगले टॉपिक पे। जैसा कि मैंने कहा कि बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, इन सबसे शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं होता। सेम चीज, कल आपका 1000 रुपए का शेयर था, आज 340 का रह गया, कल आपके पास 1 शेयर था, आज 3 हो गई, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए लेकिन आपके फाइनेंशियल्स पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया। सेम उसी तरीके से मान के चलो आपके पास 500 रुपए का 1 नोट है या 100 रुपए के 5 नोट है, दोनों की वैल्यू 500 रुपए है, नंबर ऑफ नोट्स इधर उधर हो गए हैं बस। मैं आपको बता दूं, अब अगला सवाल ये भी बनता है कि तो फिर करती क्यों है कंपनी ये सब चीजें? कंपनियां ये सब इसलिए करती हैं ताकि स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल बन सके, सस्ता हो सके, लिक्विडिटी बढ़ सके। एग्जाम्पल के रूप में कल 1000 रुपए का शेयर था, मान के चलो आपने 10 शेयर खरीदे तो 10 किसी ने बेचे होंगे, टोटल वॉल्यूम्स ट्रेड हुए 20, लेकिन आज और 10000 रुपए, 10000 का दोनों तरफ से ट्रांजेक्शन हो गया, आज वही 10000 की ट्रांजेक्शन होगी तो वो 20 की जगह 60 वॉल्यूम ट्रेड हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ गई। अगर मान के चलो मेरा एक छोटा निवेशक हूं, मेरा टोटल पोर्टफोलियो ही 10000 रुपए का है,
तो मैं 1000 रुपए का एक शेयर लूंगा, यानी डायरेक्टली मेरा 10% एक ही शेयर में चला गया। तो अब मैं चाहूं तो 300 रुपए का एक शेयर ले सकता हूं, तो मैं अपनी पोर्टफोलियो में मास फाइनेंशियल को भी ऐड कर सकता हूं। एक एग्जांपल अच्छा देना चाहे तो एमआरएफ अगर कोई लेना चाहता है वो ले ही नहीं पाता क्योंकि 1.5 लाख रुपए का शेयर है, वहीं उसको फिर जेके टायर या फिर अपोलो टायर या सीएट की तरफ जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा है। अगर वो भी बोनस या स्प्लिट हो जाए तो वो भी सबके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा और ज्यादा लोग उसमें निवेश कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है उसके साथ। तो बस ये सब चीजें अफोर्डेबल लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए होती है, बाकी इससे शॉर्ट टर्म में कोई भी फाइनेंशियल चेंज नहीं होता। तो अगर आप आज या कभी और बोनस स्प्लिट के लिए खरीदने जा रहे हो तो कभी मत लेना, क्योंकि इससे आपको शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं होता है। आपको कंपनी में ग्रोथ दिखती है तो निवेश कीजिए, अदरवाइज आप अवॉइड कीजिए। मास फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन व्यू कुछ शेयर नहीं करा मैंने इस वीडियो में, मैंने केवल और केवल अपडेट दिया बोनस से रिलेटेड। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी और आगे भी काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।